सुर्खियों में केजरीवाल तो फिर नया सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाए कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन और शुगर लेवल लगातार कम हो रहा है और उनकी जिंदगी पर खतरा है और उनका वजन 8 किलोग्राम तक घट गया है। शुगर की बीमारी के लिए सही इलाज नहीं मिल रहा है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और शुगर कम होने पर कोमा में जा सकते हैं। इस पर तिहाड़ जेल इंतजामिया ने अरविंद केजरीवाल का हेल्थ अपडेट जारी करते हुए होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी के लगा इल्जाम को गलत बताया है। ये देखिए, यही है वो लेटर जिसमें अरविंद केजरीवाल की सेहत की पूरी डिटेल दर्ज है। इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 14 जुलाई 2024 तक की डिटेल है। तिहाड़ जेल के मुताबिक पूरी जानकारी दी है। ये देखिए, यही है वो हेल्थ अपडेट वाला 39 पेज का पूरा लेटर जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ आए तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे तो वजन 64 किलोग्राम था। 2 जून को सरेंडर के वक्त उनका वजन 63.5 किलोग्राम था और इतवार यानी 14 जुलाई को उनका वजन 61.5 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। यानी उनका वजन 8 किलोग्राम तो नहीं, लेकिन जेल में आने के बाद से अब तक करीब 3.5 किलोग्राम जरूर गिरा है और कम खाना उनके वजन में गिरावट की वजह हो सकती है। उसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि उनका लगातार वजन घट रहा है, उनका शुगर लेवल कई बार नॉर्मल रेंज से कम हो चुका है और उन्हें कमजोरी है। ये देखिए, ये जेल इंतजामिया की रिपोर्ट का वही हिस्सा है। इसी में आगे लिखा गया है कि हर रोज सीनियर डॉक्टर्स और अफसरान की देखरेख में केजरीवाल की सेहत की जांच होती है और काउंसलिंग के वक्त उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल इंतजामिया को डराने के इरादे से झूठी जानकारी फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी इसी की बुनियाद बनाकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हालांकि कांग्रेस ने केजरीवाल की सेहत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बहाने बीजेपी पर ताकत के गलत इस्तेमाल का फिर इल्जाम लगाया। आप ये निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूब के जो दुरुपयोग कर रही एजेंसियों का, इसकी कीमत बहुत महंगा देश चुका रहा है। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर तिहाड़ जेल पहले भी निशाने पर रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। अब देखना होगा अब की बार क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।